सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। विधानसभा क्षेत्र 119 में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को समापन हुई और अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी खुशी सिंह जोजावर ने अपना नामांकन दाखिल किया निर्वाचन अधिकारी के समक्ष। उसके पश्चात एक जन समारोह को संबोधित किया। उस दौरान हम आपको बता दें कि काफ़ी तादाद के अंदर जनसमूह उमड़ा था और स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी खुशी सिंह जोजावर ने कहा था कि 30,000 की जो समूह है, जनसमूह है और समर्थक है, वो जो आए हैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी की बात को माने कि 30,000 जनसमूह उनके इस समारोह के अंदर शामिल हुआ, तो मैं समझता हूं कि अगर ये जन समूह क्या परिणाम बदल सकता है, अगर 30,000 जब जन समूह साथ है तो मान सकते हैं कि परिणाम बदल सकता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। हर रैली के अंदर एक दूसरे प्रत्याशी एक दूसरे की तादाद ज़्यादा दिखाते हैं, संख्या बल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक दबाव बनाया जाए। ये दबाव वाली एक राजनीति होती है, जो जितनी भीड़ जुटाएगा उतना ही उसका एक क्षेत्र के अंदर एक अलग ही संदेश जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये जन समूह जो उमड़ पड़ा है, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक की ये जो भीड़ थी, 2 किलोमीटर भी कहा जा सकता है, काफ़ी संख्या के अंदर अपार संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। विकास पुरुष कहे जाने वाले प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी खुशी सिंह जोजावर, अब वो कहते हैं कि खुशी सिंह को वोट ना दें, आप विकास को वोट दें। पहले आपने खुशी सिंह को वोट दिया था, इस बार आप विकास को वोट देंगे। तो क्या अब ये जनता तय करेगी, ये 30,000 जो उन्होंने बताए हैं संख्या में कि 30,000 लोग यहाँ की मौजूदगी है, तो वाकई क्या 30,000 यह परिणाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर काफ़ी कंधों पे ऊंचाए हुए प्रत्याशी को ले जा रहे हैं। इसे 3 दिन पूर्व 4 तारीख को भी यही हुआ था कि भाजपा प्रत्याशी को भी उसी अवार रोड से कंधे पर बैठाकर तहसील तक लेकर गए थे भाजपा समर्थक, और ये 6 तारीख को भी कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस समर्थक कंधे पर बैठाकर तहसील तक उनको लेकर गए थे। अब हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस प्रत्याशी की जनसमूह है जो अवा रोड से काफिला गुजर रहा है, एक कारवां गुजर रहा है। इसको कारवां कहेंगे, जनसमूह कहेंगे, जन सैलाब कहेंगे, क्या कहेंगे ये तो आप ही तय करें। लेकिन जो एक संदेश दिया है वह काफ़ी एक खलबली मचाने वाला संदेश है। और बने रहिए मेरे साथ, फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार। लगाओ लगाओ नारा लगाओ, उनके लकड़ भारी है। लगाओ लगाओ लगाओ।